सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि एम बी टी सी डी एल एड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके जो मॉडल पेपर हैं 2019 के उनकी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखा था। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का जो हमने 2019 मॉडल पेपर बताया था उसका जो है वो सॉल्यूशन। और इसमें जो हम सॉल्यूशन है वो केवल और केवल बहुविकल्पी उत्तरी प्रश्न का ही देखेंगे, क्योंकि जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है वो सभी हमने सेपरेट वीडियोस में इंपॉर्टेंट वन लाइनर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सभी जो प्रश्न हैं वो उसी में जो है वो कवर ऑलरेडी कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न पहला है हमारा, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा सतत मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है हमारा दक्षता आधारित मूल्यांकन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि वार्षिक मूल्यांकन जो है वो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो है वो कहलाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, ये कथन जो है वो किसका है। पहला ऑप्शन है हमारा टारगर्सन तथा एडम्स का, दूसरा ऑप्शन है हमारा रैमर्स व गेज का, तीसरा ऑप्शन है क्वालेन तथा हन्ना का और चौथा ऑप्शन है NCERT का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, रैमर्स व गेज का जो है ये कथन है। तीसरा प्रश्न है हमारा मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। पहला ऑप्शन हमारा घटनाओं का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया करना, तीसरा ऑप्शन है चारित्रीकरण और चौथा ऑप्शन है स्वाभाविकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि प्रतिक्रिया करना। अगला प्रश्न चार है हमारा कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है संकल्पना, दूसरा ऑप्शन है पूर्व हल, तीसरा ऑप्शन है पूर्व उत्तर और चौथा ऑप्शन है परिकल्पना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि परिकल्पना। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न पांच है हमारा कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है दो, दूसरा ऑप्शन है तीन, तीसरा ऑप्शन है चार और चौथा ऑप्शन है पांच। तो इसका सही उत्तर होगा तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ब। कौन कौन से, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न छः है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जांच सूची, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण, तीसरा ऑप्शन है संचयी अभिलेख और चौथा ऑप्शन है रेटिंग स्कूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि निरीक्षण। अगला प्रश्न सात है हमारा कि गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है निर्धारण सूची, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली और चौथा ऑप्शन है प्राप्तांक पत्र। ये जो है वो निर्धारण सूची का प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तर नंबर ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आठ है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षण और चौथा ऑप्शन है अवलोकन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि प्रत्यक्षण जो है वो क्रियात्मक शोध के उपकरण में नहीं आता है। अगला प्रश्न नौ है हमारा, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। पहला ऑप्शन है 1957 में, दूसरा ऑप्शन है 1958 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में और चौथा ऑप्शन है 1955 में। तो ये विकसित हुई थी 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दस है कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है। पहला ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, दूसरा ऑप्शन है एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव एजुकेशन और चौथा ऑप्शन है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो इनकी बुक थी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। चलिए बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि परिकल्पना होती है। पहला ऑप्शन है समाधान का पूर्व अनुमान, दूसरा ऑप्शन है समाधान का बाद में अनुमान, तीसरा ऑप्शन है शोध के मध्य में अनुमान और चौथा ऑप्शन है कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि समाधान का पूर्व अनुमान। अगला प्रश्न 12 है हमारा कि रॉस का कथन है। पहला ऑप्शन है बचाव निदान का निम्नतर स्तर है, दूसरा ऑप्शन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तीसरा ऑप्शन है बचाव निदान का मध्यम स्तर है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर होता है। अगला प्रश्न 13 है हमारा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन है हेल्मस्टेडेटर, दूसरा ऑप्शन है एसएस स्टीवेंस, तीसरा ऑप्शन है बर्टरेड रसेल और चौथा ऑप्शन है वुंट। तो ये कथन जो है वो एसएस स्टीवेंस का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 14 है हमारा कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। पहला ऑप्शन है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में पठन क्षमता विकास से, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, यानी कि बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। अब बात करते हैं अगले और लास्ट बहुविकल्पी 15 की, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन है रायबर ने, और चौथा ऑप्शन है वुड्रो ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, स्टीफन एम कोरे ने। तो इसी के साथ हमारे सारे बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। अति लघु सेक्शन और लघु सेक्शन देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप कंप्लीट पेपर इसका देख सकते हैं। अति लघु और लघु हम इसलिए नहीं करा रहे, सारे क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी जो है वो सेपरेट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।